वहीं मेरठ में इन दिनों तेल माफियाओं पर प्रशासनिक प्रहार जारी है। जहां मेरठ में एक बार फिर तेल का बड़ा खेल प्रशासन ने उजागर किया, जिसमें प्रदेश के जाने माने तेल कारोबारी संजय कुमार की फर्म रतिराम खूबचंद के यहां एडीएम सिटी ने खुद छापेमारी की। वहीं इस छापेमारी के दौरान अधिकृत तेल टैंकरों के अलावा अवैध तेल टैंकर भी जमीन में दबे पाए गए, जिसमें 70,000 लीटर अवैध मिट्टी का तेल बरामद कर लिया गया। जहाँ सरकारी मिट्टी के तेल की इतनी बड़ी बरामदगी को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर एडीएम सिटी अजय तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो व्यक्ति कार्यरत है तो उसने बताया कि ये जो है हमारा ड्राई है। उसके बाद फिर हमने हमको थोड़ा सा डाउट हुआ सर को, तो हमने कहा इसको जब रॉड को ऊपर से डाला गया तेजी से मोमेंटम के साथ, तो वो अटक गई रॉड कहीं पर। तो हो सकता है कि अभी अंदर स्ट्रक्चर क्या है ये तो कह रहा हूँ अभी, एक्चुअली कंपनी के सेल्स ऑफिसर और उनसे भी बातचीत एक्सपर्ट लोग हैं वो, तो वो बताएंगे। बाकी हमको ये डाउट हुआ जब, तो अटक गया रॉड को जब खींचा गया, फिर दोबारा से हमने डिप लिया, फिर एक बार और डिप लिया जब, तो वो रीडिंग जो है ऑलमोस्ट जीरो जो आ रही थी वो शूट अप करके 187 हो गई। तो एकदम हमको लगा कि इसमें देर में भी समथिंग फिशिंग। तो फिर हमने बाकी के और 4-3 टैंक भी चेक किए, तो इस वाले टैंक में लगभग 40,000 प्लस केएल हमको मिला, और बाकी टोटल मिला के लगभग 70,000 प्लस है। बाकी अभी जो भी इसमें सरप्लस मिला है जितना, उसके हिसाब से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।